Hello? What? पापा को हार्ट अटैक? कब? कैसे? मैं अभी आ मैसेज आया जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो गए। मैंने पूछा तब मुझे कुछ नहीं बोले और सीधा अपने स्टडी में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोच ही रही थी कि फिर से जाकर पूछूं, लेकिन अचानक उस स्टडी में से कुर्सी के गिरने की आवाज आई। मैं कहीं मेरे पापा जमीन पर थे। काफी दिनों से बिजनेस की वजह से बहुत टेंशन में थे। कितनी बार पूछा मोनू से कि क्या बात है, बता तो सही, लेकिन कुछ नहीं कहा। राम जाने मोनू की ऐसी हालत कैसे हो गई। वो ये मत देखिए, पापा को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने इसे अपने भाई की तरह नहीं, बेटे की तरह पाला है। कुछ हो गया तो देखिए, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। सबको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, है ना? कुछ नहीं होगा पापा को। मैं पानी ले गया। कमजोर तो नहीं पड़ रहा ना? ठीक नहीं पड़ रहा ना? मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। तूने देखा ना मुझे बेबी के साथ, माँ के साथ, मैं स्ट्रांग था ना? अगर मैं हिम्मत हार गया ना तो बेबी और माँ टूट जाएंगी, उन्हें कौन संभालेगा? पता नहीं क्यों रो भी क्यों, पापा ठीक हो जाएंगे। ऐसे मत देख, ठीक हूँ, ठीक हूँ। क्या हो गया ट्विंकल? किसे एक झटके में लाइफ, बहुत सारी बातें करनी है पापा से, जो दूरी है वो मिटानी है। बचपन से ना बिजी रहते थे वो, तो टाइम ही नहीं था मेरे लिए। वो पूरी बढ़ती गई, बड़ा हो गया और बहुत झिझक सी होती है कुछ भी बोलने में, कुछ भी क्या बोलूं, क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि मुझे जरूरत है उनकी।
जरूरत है। कुछ ऐसे फॉर्मल फॉर्मल था, कभी बोल नहीं पाया कि मैं कितना प्यार करता हूँ। एक बार सोचा जाके हक कर लूँ, जोर से बोल दूँ कि पापा आई लव यू, आई मिस यू, कभी बोल नहीं पाया। अच्छा मैंने किए हालत है तो सारे से जहन में घूम गया बातें के लिए। ट्विंकल, आई होप इट्स नॉट टू लेट। इट्स नॉट टू लेट। तुम ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने मन में क्यों आने दे रहे हो? पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत जल्द घर आएंगे और फिर तुम हमसे सारी बातें कर लेंगे, तो जो कहना चाहते हो ना सब कुछ, और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। तू यहाँ पर है? तू यहाँ पर क्यों बैठा है? तू वहाँ चल, तू चल मेरे साथ। हुआ क्या है पापा, ठीक पर? नहीं वो कुछ बोलो भी, हुआ क्या है? अरे वो न्यूज चैनल पे न्यूज आ रही है चाचा जी, टीवी पे। तू चल मेरे साथ, तू चल, आजा मेरे साथ। और ये देखिए अमृतसर के मशहूर बिजनेसमैन मनोहर सरना का असली चेहरा। मनोहर सरना की अश्लील तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि कैसे हमारे समाज के एलीट क्लास अय्याशी के शौकीन हैं। ये कारनामे हैं मनोहर सरना के। देखते रहिए ये खुलासा। मैंने तो इस मामले को हैंडल कर लिया। पापा की फोटोज कैसे लीक हो गई? लो लो लो, करो प्यार, करो। फूल फूल देखो। ट्विंकल हरकुंस मैं हरगिज नहीं मान सकती, ये हो ही नहीं सकता। झूठे मैं नहीं मानता, इन लोग का तो काम ही ऐसी झूठी अफवाहें फैलाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो गया? पुअर ट्विंकल, अब तो क्या करेगी बेबी? तेरा ससुर तो आईसीयू पहुंच चुका है और अब तो पूरे शहर में उसकी इज्जत का जनाजा भी निकल चुका है। अब कैसे बचाएगी तू उनकी रेपुटेशन को? हाँ माँ, माँ ये सब झूठ है। पापा को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। बेबी आप समझाइए माँ को प्लीज, तूने फंसाया जा रहा है। कौन सरना आप ही है ना? जी। हॉस्पिटल के बाहर सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए हैं और आपकी फैमिली से बात करना चाहते हैं। देखिए हमने उनको बहुत समझाया लेकिन वो जाने से इनकार कर रहे हैं। मैं अभी आया। कुंज, कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं। बेबे आज अगर हम चुप रहे ना तो इन्हें मौका मिल जाएगा, ये इसे हमारी कमजोरी समझे। इनको एक बार जवाब देके ना इनका मुंह बंद कराना बहुत जरूरी है। बात तो सही कह रहे हैं, मैं भी जाकर आता हूं। आराम से आराम से। हेलो मिस्टर, आपके फादर की इन असली तस्वीरों में आपका क्या कहना है? आपके पिता का उस लड़की के साथ कोई अवैध संबंध है? इस अवैध रिश्ते के बारे में आपके परिवार की क्या राय है? ये फोटो देखकर आपकी माँ को कैसा लगा बताइए? देखिए ये सब झूठ है,
मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, उन्हें फंसाने की कोई साजिश कर रहे। ये लड़की जो फोटो में है, क्या आप इसे जानते हैं क्या? मनोहर सरना पहले से ऐसे शौक करते हैं क्या? देखिए बस कीजिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती? जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेरे पापा हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक इंसान वहां जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है और आप ऐसे वाहियात सवाल कर रहे हैं मुझसे। आप लोग रिपोर्टर्स हैं, थोड़ी सी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए आपको। हमारा काम सवाल जवाब करना है। मिस्टर कुंज, आप सिर्फ ये बताइए कि आप भी अपने फादर की तरह शौक करते हैं क्या? चुप रहिए आप लोग। क्या आपकी ये फैमिली के लिए आम बात है? आपकी माँ और बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? चुपन। ओए कुंज, ओए कुंज, छोड़ छोड़ इन्हें। बाहर निकालो इन्हें। के मुंह नहीं। मैं काम धंधा नहीं है, बस लोगों के घर में जागना है। आ जाओ भाई, इनके मुंह नहीं लगते, आ जाओ। देखिए देखिए, जैसा बाप वैसा बेटा। जहाँ एक तरफ मनोहर सरना अपनी से आधी उम्र की लड़की के साथ अय्याशियां करते पकड़े गए, वहीं उनका बेटा कुंज सरना पब्लिक में मारपीट करने का शौक रखता है। यहाँ तक इन्होंने रिपोर्टर्स की भी नहीं छोड़ा है। एक्सक्यूज मी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हैं। टिंकल जी, हमारे सूत्रों से पता चला है कि आप इस लड़की को जानती हैं, क्या ये बात सच है? झूठ है ये सब, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते, सब सब झूठ है। हाँ उषा, संभाल अपने आप को, मैं भी जानती हूँ कि ये झूठ है, लेकिन पहले मोनू को होश में तो आ जाने दे, फिर उससे बात करेंगे, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुंज, मुझे तो लगा था कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ हैंडल कर लिया, मैंने सारी फोटोज डिलीट कर दी थी, मुझे नहीं पता ये कैसे लीक हो गई। क्या कहते हो? कौन सी फोटोज? तू जानती थी ये फोटोज के बारे में? मैंने पूछा, तू जानती थी इन फोटोज के बारे में? हाँ मुझे पता था। वो एक्चुअली कुछ दिन पहले मुझे एक अननोन नंबर से एक वीडियो आया था, उसमें पूर्वी के बारे में सब कुछ था। कुछ फिर मुझे पता चला पूर्वी मिसेज अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली। मैंने भी इसीलिए मिसेज अमृतसर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मैंने पूर्वी का पीछा किया, इस सब के बारे में पता लगाया। मुझे पता चला कि वो पापा को ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद मैंने वो फोटोज डिलीट करी, पूर्वी को कन्फ्रंट किया। और तुम्हें वो लॉज याद है? वहाँ पे भी मैं पूर्वी का पीछा करते करते पहुंची थी, लेकिन पता नहीं ये फोटोज कैसे लीक हो गई, मैंने तो सब कुछ डिलीट कर दिया था। पूर्वी का तो काम ही है ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे ऐंठना। मैंने उसके और उसके पार्टनर दोनों को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। तूने इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? ये बात छुपाई कुछ मुझसे नाराज मत हो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें सच में बताना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा मैटर सॉल्व हो गया तो तुम्हें बताने का क्या फायदा, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे और पापा के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स रहती, और ये बहुत सेंसिटिव मैटर भी तो है, मुझे एक झिझक थी, सो मुझे लगा मैं तुम्हें नहीं बताती। और कुछ पापा ने भी मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं, इसीलिए मैं चुप रही। मम्मी जी आई स्वे, मैंने सारी पिक्चर्स अपने हाथों से पूर्वी के फोन से डिलीट करी थी, और पूर्वी ने कहा भी था कि उसके पास और कोई कॉपी नहीं है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से लीक हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेबे मैंने उस लड़की को अरेस्ट भी करवा दिया था। बेबे मैंने जो कुछ भी किया हमारे परिवार की इज्जत के लिए किया। अरे कहाँ की इज्जत हुई तो? तूने इतनी बड़ी बात अपने सारे परिवार से छुपाई?
परिवार तो छोड़ो, अपने पति से तूने इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे ये बात छुपाई, लेकिन मम्मी जी मुझे लगा अगर आपको ये सब पता चलेगा तो आप बिल्कुल बिखर जाएंगे, इसीलिए मैं चुप रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लीक हो गई पिक्चर्स। और ये रहा प्रूफ, जिससे कि ये साबित होता है कि ट्विंकल ने ही अपने प्यारे ससुर जी की सारी वीडियोस और अश्लील पिक्चर्स मीडिया में लीक करवाई। देखो देखो, मुझे आपके एडिटर मिस्टर सतीश स्वामी से मिलना है। मैडम आप यहां साइन कर दीजिए। मिस्टर स्वामी, मैं ट्विंकल सरना, मैंने ही आपको फोन किया था। ये फोटोज मेरे ससुर मिस्टर मनोहर सरना की। और इसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। नॉट नमक, दिस इज मिर्ची का पूरा पूरा तड़का। सेट, लेट द गेम्स बिगिन। गुड फॉर नथिंग, मुझे किसी ने अभी अभी वीडियो भेजा है। डैडी मुझे भी। मुझे आपके एडिटर मिस्टर सतीश स्वामी से मिलना है। मैडम आप यहाँ साइन कर। मेरे पास भी ये वीडियो आया। मिस्टर स्वामी, मैं ट्विंकल सरना, मैंने ही आपको फोन किया था। ये फोटोज मेरे ससुर मिस्टर मनोहर सरना की। ये मैंने नहीं किया, ये मैं नहीं हूं। झूठ है ये मैं नहीं हूं। ट्विंकल बेबी, मैंने तुझसे बोला था कि तू मुझसे जीत नहीं पाएगी। मैं मानता हूं कि तेरे मेरे प्यार में थोड़े बहुत नफरत जरूर है तेरी तरफ से, लेकिन मेरा प्यार और जुनून कल भी वही था, आज भी है और हमेशा वही रहेगा। और इसी बात को याद दिलाने के लिए वीडियो मैंने बनाई, ये फेक वीडियो बनाई और ये अश्लील फोटोज लीक करी मीडिया में। आई एम सॉरी बेबी, मुझे ये सब करना पड़ा। क्या करते, वरना तेरा और कुंज का रिश्ता तबाह कैसे होता। झूठ है ये मैं नहीं हूं। माय गॉड ट्विंकल, ये तूने क्या किया? खुद अपने हाथों से अपनी पूरी फैमिली की इज्जत तूने बाजार में उछाल दी। ये सब झूठ है, मैं ये हूं ही नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। मैंने तो सारी पिक्चर्स डिलीट कर दी थी। मैं ये नहीं हूं, आप लोग मेरी प्लीज बात का यकीन कीजिए। अरे ये वीडियो नहीं, तू खुद झूठी है। हम सब अंधे थोड़ी है, हम सबको दिखाई दे रहा है कि वीडियो में तू ही है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तू इतनी नीचे गिर जाएगी ट्विंकल। मैं झूठ नहीं बोल रही, यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया, ये मैं नहीं हूं। सब कुछ तूने ही किया है। अरे मनोहर जी की हालत देख, बेचारे आईसीयू में पहुंच गए। आप तो झूठ बोलना बंद कर देना, आप तो सच बोल। जी तू तो बहुत बड़ी बेशरम निकली यार। झूठ बोलेगी तू? मम्मी जी मैं झूठ नहीं बोल, मैंने ये नहीं किया। आप पापा जी से पूछ लीजिए, पापा जी को सब कुछ पता है। नाम मत ले उनका अपनी जबान से। आज तेरी वजह से उनकी ये हालत है, आईसीयू में है वो। आज तेरी वजह से हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया।
मेरी बात पे यकीन है ना, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार की इज्जत कभी दांव पे नहीं लगाऊंगी। तुम्हें पता है मेरे लिए अपने परिवार की इज्जत क्या मायने रखती है? कुछ कुछ तो बोलो, कुछ तुम्हें लगता है कि मैंने ये पिक्चर्स लीक करे? बोलो ना कुन, चुप क्यों हो? मैं जानता हूं इसके पीछे तेरा हाथ नहीं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में जो लड़की है वो तू नहीं। तू कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेरे परिवार की इज्जत पर आंच है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार तू है। पापा अगर आईसीयू में है तो उसकी जिम्मेदार तू है। कुंजी तुम क्या कह रहे हो? मेरी वजह से पापा आईसीयू में? हाँ, तेरी वजह से, तेरी वजह से।